तो जोहार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी हम हैं हमारे चंद्रमणि मरावी जी के घर में। तो मरावी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, जो पीछे लोग रहे देख सकते हैं दोस्तों, ये है। तो गाइस, अभी जाने वाले हम बुढ़मेहर नदी नहाने के लिए। तो मरावी जी अपने वाहन को तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये है मरावी जी का घर, और इधर साइड कुछ है खदान। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है दोस्तों खदान, इसको बोलते हैं मुर्रम खदान। उधर देखो दोस्तों, चलते हैं फिर। दोस्तों बैठ चुके हैं मरावी जी के साथ गाड़ी में, ये नहाने के लिए जा रहे हैं। तो आज क्या दिखाने वाले मरावी, बताओ। आज दिखाएंगे भैया सकराही बूढ़ी दाई मढ़िया, वहाँ पर हम सफ़र कर रहे हैं, वहीं से नहा के लौटेंगे, बूढ़ी दाई के पास जाके वापस आएंगे। तो दोस्तों, हमारे समस्त टीम, बेटी जी और बाकी मित्र हमारे साथ हैं। तो चलते हैं फिर, आप लोग दिखाएंगे लड़का लड़कों। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से है यहाँ का नज़ारा। और आगे कौन से गांव है साहब? लोधा है। और ये जो अपन, ये तीन सौ टोला है, उसी का खंड है तीन सौ टोला। हाँ, तो दोस्तों इतना सारा रोड खराब है यार, बरसात में तो जाने में दिक्कत होता होगा। बहुत बड़ी दिक्कत हो रहा है, अभी थोड़ा सा ये बना है, नहीं तो गुजर में होता है। हाँ, तो दोस्तों 800 नंबर नहीं आ पाता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत उस समय। अभी क्या है, वन विभाग तो ये है सकराई। सकराई पहुंच रहे हैं हम, बूढ़ी दाई के स्थान में जा रहे हैं। बूढ़ी दाई के स्थान हम लोग जा रहे हैं, हम लोग देखिएगा, वीडियो बनी रही है। तो पहली बार हम मरावी जी के गांव तरफ आए हैं, तो हमारे मरावी जी हमको पूरा शेयर करा रहे हैं कहां कहां क्या स्थान है। तो अभी दादा जी का इंटरव्यू लेना बाकी है, और मरावी जी का साथ ही वीडियो बनी रही है। हमारे इंटरव्यू वीडियो हमारे रावण पट्टा 750 यूट्यूब चैनल में देखने के मिलेंगे। बूढ़ी दाई का उद्गम नाम ये कुंड है, ये पानी कभी खत्म नहीं होता है, यहाँ पानी खत्म नहीं होता कभी। ये पानी जो कुंडा वो है ना, वो वाला कुंडा है। हाँ, तो यहाँ अभी जो है उस हिसाब से है, बाकी वो कुंडा है अभी भी देख ले वो पहले वाले। हाँ, वो हाँ, तो क्या है, यहाँ से उद्गम जो है इनके रिलेशन था, मतलब बूढ़ी का वो मेन है। तो कुछ यहाँ पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आते हैं। दोस्तों पहुंच चुके हम लोधागढ़, और ये है बूढ़ी दाई का स्थान है ना साहब, लोधा चुरिया जो आप लोग सुने होंगे, जो पंडा पुजारी लोग अपने विद्या में मंत्रों में इस गढ़ी को सुमरते हैं, उसके बाद जो अपना काम है आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ कुछ बड़े बड़े टाइप लगते साहब? हाँ, बड़े लगते हैं हर साल। हाँ, बाजार ज़्यादा लगता है? हाँ, बाजार शनिवार को लगता है, हर शनिवार। हाँ, शनिवार। यहाँ अभी चैत में कुछ, हाँ चैत में जमा देंगे, वार्षिक उत्सव होता होगा। हाँ, होता है। तो चले आगे फिर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये है लोधा चुरिया, जैसे हमारे मरावी जी के गीत में भी सुने होंगे आप, लोधा चुरिया गढ़ के ऐसा कुछ कर गाते हैं भाई, मरावी जी को, मरावी जी को आए। तो ये हम पहुंच चुके हैं, मरावी जी बताएंगे यहाँ के बारे से। मरावी जी बताइए कुछ। यहाँ जो है चैत मास में जवारे बोते हैं, गढ़ लोधा चुरिया से यहाँ से है बूढ़ी दाई, वो स्थान रिग है। यहाँ मड़ी मेला में जो है हम लोग यहीं पर सारी मड़ी मेला कार करते हैं, और दूर दूर से आते हैं जनता जनार्दन, और देवी दाई के साथ में हम सभी लोग मिलकर के और वास्तव उत्सव को मनाते हैं। और हमारे जो पंडा जी हैं, नान सह पंडा यहाँ का मुख्य पंडा हैं, उनके संयोजन से जो है पूरा कार्य यहाँ चलता है। तो पहले तो मढ़िया रहा होगा मरावी जी, वो दिख रहा होगा। हाँ, वो मढ़िया है, आज भी है, आज भी। हाँ, आज भी मनाते हैं, उसी के सौजन से चलता है। हाँ, लोधा तिनसा टोला, कभी लोग दूर दराज जितने लोग आते हैं यहीं हम चंडी दाई को मनाते हैं। हाँ हाँ, लोग हमारे मरावी जी ने बताया किस तरह से यहाँ की विशेषता है, और यहाँ का क्या कहानी है, किस नाम से यहाँ का नाम, इस गांव का नाम लोधा पड़ा। तो हमारे मरावी जी बताते हैं कि जो दाई है वहाँ, यहाँ लोट पोट हुआ था, इस वजह से यहाँ का नाम लोधा रखा गया। तो दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये है माता का स्थान, जहाँ पर छोटा सा मंदिर है बना हुआ है, और वहाँ पर किवाड़ लगा हुआ है, और यहाँ पूरा लाइट वाइट व्यवस्था पूरे हैं, जैसे चैत माह में यहाँ पर जमारा बोया जाता है। हमारे मरावी जी बताते हैं
क्योंकि साथ ही ये बहुत बड़ा स्थान है, इस वजह से भी यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। फिर हमारी समस्त टीम हमारे साथ उपस्थित है, फिर चलते हैं आगे दोस्तों, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ देख लिया है जो कि यहाँ लोधा का जो मेन स्थान है वहाँ पर, और अब हम चलते हैं सीधे नदिया में और नहाते हैं, फिर चलेंगे घर के लिए। हमारे मरावी जी के घर जाएंगे और फिर बाकी लोग बच गए हैं, इंटरव्यू लेना वो लेना है। गाइस सब यहाँ हमारी गाड़ी पार्क कर चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद अब सीधे चलेंगे, तो दिखाते हैं थोड़ी बहुत और आगे का वीडियो को बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो लड़के हैं वो भूखा चुके हैं, अब जाके भोजन भी करेंगे, अभी नहाए नहीं इस वजह से। तो हमारे नेटी जी किधर है, वो आ रहे हैं पीछे, तो नेटी जी से पूछते हैं कि नेटी जी आज कैसा लग रहा है आपको? एकदम मस्त। भूख तो नहीं लगा है? नहीं। दोस्तों ये लोग मेरे वजह से आज सुबह से मेरे साथ हैं और मेरे साथ घूम रहे हैं, और हमारे मरावी जी किधर आए हैं, तो मन में तो अलग होगा पर बता रहे हैं ऐसे कि कोई दिक्कत नहीं करके, मुझे पता चल रहा है कहीं आके गलती तो नहीं कर ली, ऐसा लगता होगा आपको, लग रहा है ना। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पहुँच चुके हैं, कौन सी नंदी बताए थे मरावी जी? कुकरा, कुकरा नदिया है। यहाँ अब हम लोग स्नान करेंगे, हाँ। तो चलो फिर वहाँ भी चलेंगे अपन नहा लेते। अरे वो देखो गजब के दिखते हैं यार, वो रुंधेर जैसे दिखते हो, वाह वो छे दासा, वाह ऐसा ना वो लाएगा। और वो देखो मछली छछी। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ आए और स्नान कर लिया, और दोस्तों अब चल रहे हैं हम सीधे मरावी जी के घर। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा हमारा मिनी ब्लॉग कमेंट करें जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लें दोस्तों जोहार जोहार, टेक केयर।